मेरा नाम सैफ पटेल है और आज मैं मेरा फर्स्ट यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों ने बताया दोस्तों के लिए क्यों एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं करते, क्यों आप कहीं भी जाते हो और ये सब रिकॉर्ड करो हमें दिखाओ। तो इसी वजह से मैं आज पहला स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा पहला यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा सबसे पहला वीडियो है। हम जा रहे हैं सोमर्स पे, जो यहाँ से तकरीबन 71 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सो चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम नए सफर में सोमर्स बे की तरफ। अभी हम रास्ते में हैं, खाना लेने के लिए रुके थे, इसकी वजह से काफ़ी लेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो हम एक और फैमिली की वेट कर रहे थे, उसकी वजह से लेट हो गए। देखिए, तो अभी हम सोमर्स बे की तरफ जा रहे हैं। सोमर्स बे जा तो रहे, लेकिन वो है क्या वो भी जान लेते चलो साथ में। सोमर्स बे एक पिकनिक एरिया है, वहाँ पर एक वाटरफॉल भी आया हुआ है, जिसकी वजह से आप एक काफ़ी खूबसूरत सा लुक आपको वहाँ पर मिलता है। और वो ब्रिस्बेन वाटर नेशनल पार्क एंड सिडनी सराउंड सबब में आया हुआ है। वहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन अगर आप गाड़ी पार्क करते हो तो उसका चार्ज है वहाँ पर $8 पर डे पिकनिक एरिया के अंदर। जो पार्क के अंदर जो मशीन लगे हुए हैं जो पार्किंग के लिए, उसमें सिर्फ कॉइन ही एक्सेप्ट होते हैं, नोट्स वगैरह नहीं चलते। तो आप ध्यान रखना वहाँ पर, अगर आप जाते हो तो सिर्फ नोट ही चलेंगे, करेक्ट कॉइन आपके पास होने चाहिए। इसके जो ओपनिंग टाइम्स है वो सोमर्स पे एरिया जो है 8 से 8 बजे तक नॉर्मली खुला रहता है पब्लिक के लिए, डे लाइट सेविंग जब होती है तब, और विंटर के अंदर 8 से 5 बजे तक खुला होता है। अब जनरल इंक्वायरी के लिए आप नेशनल पार्क सेंटर कॉन्टैक्ट सेंटर पर भी कॉल कर सकते हो, वो भी 7 बजे से 7 बजे तक खुला होता है, 7 AM to 7 PM। सो सोमर्स बे फॉल्स एक परफेक्ट पिकनिक एरिया है, जहां आप एवरीडे की बिजी लाइफ से एस्केप कर सकते हो। वहां ग्रीन रेन फॉरेस्ट में आपको ऐसा लगेगा आप घर से मीलो दूर हो, बट इन रियलिटी आप सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव। Hey, what's your name? Question. What's your name? Stella. What's your name? Afifa. Yaya. What's your name? Aisha. Hey, little boy. What's Yaya. Your name? Yahya. 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 Say, my name is Yahya. And what's your name? Think I don't care. What's your name? Idris. We're at this place. What are you doing here? We're gonna go swimming up. Is it? Yeah. You sure? Yeah. Aisha, are you excited? Yeah, I'm gonna go change her clothes. Okay. And yeah, yeah, you? He's like, yay! Yeah, yeah. What are you doing here? I'm playing. You playing? Yeah. ये यहाँ का पार्किंग है, काफी आप देख सकते हो बेहतरीन नज़ारा है। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से यहाँ पर सब पार्किंग्स होते हैं, जो दूर दूर देखने लायक जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। ये एक लुकआउट पॉइंट भी है। इस जगह पर काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी सारी पब्लिक रहती है वीकेंड पर और स्कूल की छुट्टियों के दौरान। सो वहाँ पर पार्किंग मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप सुबह में जल्दी निकल जाओ ताकि आपको पार्किंग यहाँ पर मिल सके। और इस खूबसूरत जगह पर आप नज़दीक में जितना पार्किंग होगा आपको चलना कम पड़ेगा और आप थक कम जाओगे, तो उसकी वजह से आपको जल्दी घर से निकलना होगा। अगर हो सके तो आप 10 बजे से पहले सुबह में और 3 बजे के बाद आइए, तो क्राउड ओवर हो जाएगा। झरने का पानी काफ़ी ठंडा था, जब हम गए तब काफ़ी गर्मी का वक्त चल रहा था, फिर भी हमें गर्मी का पता नहीं चल रहा, इतना ठंडा पानी था वहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि ये पानी कितना साफ़ सुथरा है। और ये देखिए ये क्या नज़ारा है, ये देखिए आप, ये फॉल ऊपर से जो पानी आ रहा था और सीधा नीचे गिर रहा था। और हम लोग वहाँ पर पानी के नीचे, ये झरने के नीचे हम चले गए थे। इसी जगह पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा खड्डा भी है, तो मेक श्योर आप वहाँ पर पानी में मत गिर जाना, तो खड्डे से अवॉइड करना।
इसी जगह के पास एक गिराकुल पिकनिक एरिया भी है और वॉकिंग ट्रैक भी है। सो आपको अगर चलने का शौक़ है, ट्रैकिंग हाइकिंग करना चाहते हो, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। काफ़ी नज़दीक में ही है वो ट्रैक्स। सो जंगलों के अंदर घूमना काफ़ी अच्छा लगता है जब आप वहाँ पर जाते हो। तो ये बहुत ही अच्छे प्लेस है पिकनिक के लिए, जहाँ आपको फ्री में बारबेक्यू एंड प्लेंटी ऑफ टेबल्स विद शेड भी मिलेंगे, जहाँ आप शेड के नीचे खा सकते हो। आप किसी भी बड़े पेड़ की छांव में या कहीं दूर पार्क में बैठे चेयर एंड आपकी रग लगाकर यहाँ का आनंद और लुत्फ उठा सकते हो। यहाँ कार पार्क के करीब ही जहाँ से वाटरफॉल स्टार्ट होता है, वहाँ पर आपको इंडस्ट्रियस ब्रश टर्कीज भी मिलेंगे, जो बर्ड्स काफ़ी डेस्परेट होंगे आपके साथ आपका लंच शेयर करने के लिए। सो हमारे पास तो पॉपकॉर्न थी, वो वीडियो में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन हमारे पास पॉपकॉर्न थी जो हमने उनके साथ शेयर की थी। बच्चों को काफ़ी पसंद आया था, बच्चे उनके साथ काफ़ी खेले थे और काफ़ी अच्छे पिक्स भी लिए थे हमने उन बर्ड्स के साथ में। काफ़ी बड़े बर्ड्स थे। सो आई होप मैं आपको कुछ दिखा पाता, लेकिन अब ये देखिए, ये जो वाटरफॉल का जो व्यू है वो अमेजिंग होता है। अब वहाँ पर जाओगे सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन ये खास याद रखना कि ये जो जगह पर जो बच्चे खेल रहे, काफ़ी स्लिपरी होता है, जो बच्चे गिर भी सकते हैं। आपने बारबेक्यू वगैरह खा लिया हो तो उसके बाद आपको अगर चलने का शौक़ हो रहा है, तो यहाँ से यही जो वाटरफॉल के नीचे एक बॉटम वाटरफॉल है जहाँ आप जा सकते हो। लेकिन ये छोटा सा ही वाटरफॉल है, लेकिन ये रास्ता आप देख सकते हो, ये छोटे बच्चों को अगर साथ में अगर लेकर जा रहे हो तो काफ़ी स्लीपरी रास्ता भी है बीच में। जैसे ये देखो आप, जहाँ से पानी आ रहा है आपको इंजरी भी हो सकती, गिर सकते हो। सो बी केयरफुल गाइस। ये जो देख रहे हो आप, ये बॉटम वाटरफॉल है। ये ऊपर से थोड़ा छोटा सा है, यहाँ पर जैसे बीच में आप देख रहे हो ट्री भी छोटा सा गिरा हुआ है। यहाँ ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो ऊपर वाला जो है वो बेहतर है। वहाँ पर खेलने के लिए प्लेंटी ऑफ स्पेस है बच्चों के लिए। यहाँ पर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर यहाँ ऐसे वैसे गिरे हुए हैं, सो बच्चों के लिए थोड़ा सेफ नहीं है। और बड़े भी अगर जाए, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी स्टिकी है, आप फिसल भी सकते हो और आपको इंजरी भी हो सकती है। सो बी केयरफुल गाइस। लेकिन ये फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी बेहतरीन जगह है, आप देख सकते हो। यहाँ अंदर भी जा सकते हो, अंदर पहाड़ में जाकर पानी के नीचे आप झरने में नहाते हुए फ़ोटो भी निकाल सकते हो। अब हमें यही पहाड़ चढ़कर ऊपर वापस जाना है, काफ़ी लंबा सफ़र है। नीचे उतरना तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते पैरों की हवा टाइट हो जाती है। सो हम वापस यहाँ आ चुके हैं। ये वाला वाटरफॉल ही सही है, काफ़ी खूबसूरत है। नीचे वाला ठीक है, चलो एक बार जाके आ गए ऐसा। अब हमारा घर पर जाने का वक्त हो चुका है। आप देख सकते हो इतनी स्पैक की गाड़ी आगे है और मेरी गाड़ी पीछे है। अब हम घर पर जाने के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। हमारी गाड़ी ही आखिरी में बची थी, ज़्यादा कोई गाड़ी बची नहीं थी, ज़्यादा पब्लिक निकल चुके थे, हम काफ़ी लेट थे क्योंकि बच्चे पानी में से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। उनको पानी इतना पसंद था और वहाँ खेलना इतना अच्छा लगा, तो बाहर ही नहीं आना चाहते थे। ये सारी की सारी जगह सुबह में पार्किंग से पैक थी, अभी देख सकते हो पूरा खाली है, पूरा एरिया यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा खाली है आपके लिए। ये सारा का सारा पहाड़ी इलाका है, आप देख सकते हो एकदम सुनसान जगह है, जो विंटर के वक्त आपको थोड़ी डरावनी भी लग सकती है। सो मेक श्योर कि आप जल्दी से निकल जाना विंटर के अंदर अगर जाते हो तो। बाकी जगह बहुत ही खूबसूरत थी। कॉफ़ी पीने के लिए हमारी कॉफ़ी बन रही है इजी। ये कौन सी कॉफ़ी है? फ्लैट पॉट। यहाँ पर इस टाइप की कॉफ़ी मिलती है। ये यहाँ का पेट्रोल स्टेशन है, इस तरह से होता है, आप देख सकते हो। जो रास्ते में जाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ से खरीद सकते हो। Do you want to buy something else? और कभी चीज़ें ले लो।
I'm fine. Kids. I want to pull out. Hey, kids. This. What do you want? What? What do you want? We're just looking at toys. No, go, go, go. You have enough toys. I have these. Yeah. Yes. और यहाँ पर हम घर की ओर रवाना होते हुए 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे. यहाँ पर सो साइड में आपको जो दिख रहा है वो लेक काफ़ी खूबसूरत है. कभी मौका मिला तो हम वहाँ पर भी एक अपना वीडियो बनाएंगे आपको आपके लिए. फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं. शाम के तकरीबन 8:30 बज चुके हैं रात के, और बच्चे दोनों थक चुके हैं और सो चुके हैं. सो मिलते हैं अगले वीडियो में.